इस तरफ मिलेगा आपको ड्रैगन वाला है? आप बोल सकते हो वन देवी है या ठाकुर देव। और आपको अगर ज्योत देखना है तो हम लोग को उधर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ज्योति कलश स्थापना की गई, प्रज्वलित की गई है, तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संत ध्रुव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ गंगा मैया मंदिर, जो झलमला में है, जो बालोद जिला में आता है और ये बालोद जिला से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप दुर्ग भिलाई से आ रहे हो तो आपको 75 से 80 किलोमीटर पड़ जाएगा झलमला का गंगा मैया मंदिर। और यहाँ चैत नवरात्रि में मेला लगा हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस तरफ भव्य मेला लगा हुआ है और इस तरफ है गंगा मैया का मंदिर। तो चलिए मैं आज आप लोग को दर्शन कराता हूँ झलमला का गंगा मैया और साथ ही साथ मेला घुमाता हूँ। और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से आके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बैल आइकन भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, गंगा मैया के दर्शन कराता हूँ। और इस वक्त मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो पार्किंग, और आज बहुत भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि गंगा मैया को आसपास के लोग बहुत मानते हैं, यहाँ बहुत भव्य मंदिर है। तो चलिए दर्शन करते हैं गंगा मैया का। और दोस्तों देख सकते हो ये है झलमला से बालोद वाला मार्ग है, इसी किनारे में है गंगा मैया का मंदिर। और आप भीड़ देख सकते हो, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। और ये है अपना बाइक और कार का पार्किंग स्टैंड, यहाँ पर शुल्क लेके पार्किंग किया जा रहा है बाइक एवं कार। तो चलिए ये वाला जो और ये वाला जो है, ये है मेला जाने वाला, तो अपन मेला बाद में चलेंगे, हम लोग पहले चलते हैं मंदिर, आपको दर्शन कराते हैं, उसके बाद मेला की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेला की ओर। और किनारे किनारे आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें स्टॉल लगी हुई है। और ये वाला जो रोड है, ये मंदिर से बाहर निकलने वाला है, गंगा मैया नवरात्र उत्सव चल रहा है यहाँ पर, और ये वाला जो रोड है ये मंदिर से बाहर निकलने का, और मंदिर में अच्छी खासी भीड़ है। तो चलिए अपन मेन गेट से एंट्री करते हैं मंदिर में, और ये है गंगा मैया जाने का मेन गेट। तो चलिए चलते हैं, हम अंदर चलते हैं और आपको दिखलाते हैं और माता का दर्शन कराते हैं। और जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको राइट और लेफ्ट साइड में बहुत सारे नारियल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी। और ये देखिए वहाँ आप लाइन देख सकते हो भीड़ का। ये देखिए यहाँ पर आपको किनारे में पूरे माता के लिए आप श्रृंगार और नारियल ले सकते हो, पूरी लाइन से दुकानें लगी हुई है, इस तरफ भी है और ये दोनों तरफ दुकानें हैं, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो हम लोग चलिए माता के लिए प्रसाद ले लेते हैं, नारियल ले लेते हैं और अपना जूता चप्पल यहीं रखते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। गाइस हम लोगों ने नारियल ले लिया है, अब चलते हैं हम लोग दर्शन के लिए। और आप भीड़ देख सकते हो, अच्छी खासी भीड़ है, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैरियर भी लगाया गया है जो भीड़ को कंट्रोल करता है। आप ऐसे सर्कल में वहीं पर ऐसे लॉन्ग लॉन्ग चलते रहोगे लंबे लंबे। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए यहाँ बना हुआ है, आप यहाँ से कंटिन्यू चलते रहोगे और आपको भीड़ कंट्रोल हो जाएगा यहाँ से। और आप बाहर से भी घूम सकते हो, लेकिन आपको दर्शन करना है तो इधर से चलना पड़ेगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भी लाइन लगते हैं, दर्शन करना है माता के और आपको भी कराते हैं। और आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, तो पीछे आना थोड़ा सा।
फाइनली दोस्तों हम लोगों ने 12 लाइन वाली रो पार कर चुके हैं। अब हम लोग दीवार के किनारे किनारे मंदिर की ओर जा रहे हैं और करीबन 12 वो लाइन बनी हुई थी भीड़ कंट्रोल करने के लिए। और चलते हैं हम लोग मंदिर की ओर, किनारे किनारे इस दीवार के किनारे किनारे हम लोग को जाना है, फिर आगे से लेफ्ट मुड़ के फिर मंदिर के अंदर। तो दोस्तों हम लोग लगभग नज़दीक आ चुके हैं मंदिर के और यहाँ से अपन मुड़ेंगे और इस तरफ देखो यहाँ पर भी पूजा चल रहा है मंदिर का। ये बाद में आपको बाहर से दिखलाऊंगा, पहले हम लोग चलते हैं अंदर। और ये हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं, गंगा मैया का मंदिर। और आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके से यहाँ पर मंदिर सजाया गया है और जो जवारा भी ये देखिए यहाँ पर रखा गया है। बोलो गंगा मैया की। ये है गंगा मैया, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम लोग भी नारियल निकाल लेते हैं थैला से, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। महाराज जी चढ़ा जय गंगा मैया। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, अब गंगा मैया के दर्शन हो चुके हैं, अब इस तरफ से हम लोग निकलेंगे बाहर। और आज सप्तमी का दिन है तो अच्छा खासा भीड़ भी था। बोलो गंगा मैया की। तो दोस्तों हम लोग को दर्शन हो चुका है गंगा मैया का और दर्शन करके यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी दर्शन करने आ सकते हैं, यहाँ पर झलमला में है गंगा मैया और यहाँ पर आप लोग को बाहर बूंदी का प्रसाद दिया जाएगा। नो महाराज, जय गंगा मैया। और गंगा मैया, हाँ संतू दुर्वे सब्सक्राइब कर लेना, मिल जाएगा भाई, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो भैया जी के चैनल पर। थैंक यू सॉरी। और यहाँ पर है यज्ञ स्थल भी बना हुआ है और आप अगर लाइन में नहीं लगना चाहते, बाहर से दर्शन करना चाहते हो तो आपको यहाँ से डायरेक्ट गंगा मैया के दर्शन हो जाएंगे बाहर से। ये देखिए आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हो गंगा मैया के। और यहाँ पर बना है अगरबत्ती जलाने के लिए जगह बनाया गया है, ये देखिए। तो चलिए हम लोग भी अगरबत्ती जलाना रहता है, अगरबत्ती भी जला रहे हैं। तो यहाँ पर सभी भक्तगण अगरबत्ती जला रहे हैं। चलिए मैं आपको इस तरफ और एक मंदिर है माता का, मैं दर्शन कराता हूँ। तो ये है ठाकुर देव, ये देखिए। आप बोल सकते हो वन देवी है या ठाकुर देव। और आपको अगर ज्योत देखना है तो हम लोग को उधर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ज्योति कलश स्थापना की गई है, प्रज्वलित की गई है, तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये है मन्नत की फल, यहाँ पर आप अपनी मन्नत मांग के यहाँ पर आप नारियल बांध सकते हो। ये देखिए यहाँ पर बनाया गया मन्नत श्री फल। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आपको अब
जो मनोकामना दीप जहाँ प्रज्वलित किया गया वो इस तरफ है, मैं उस तरफ आपको चलते दिखला देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ मंदिर से निकलते हैं बाहर और आपको दिखलाते हैं। और इसके लिए हम लोग को उस तरफ जाना पड़ेगा। और उधर यज्ञ से आला ज्योति कलश दर्शन एवं परिक्रमा लिखा हुआ है, तो चलिए चलते हैं हम लोग उस साइड। तो चलिए चलते हैं हम लोग यज्ञशाला में और इधर है ज्योति कलश। और ये देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। और ये है यज्ञशाला, ये देखिए। और यहाँ पर है कृष्ण भगवान जी और ऊपर है शंकर भगवान। ज्योति कलश, ये देखिए, जय माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये दो खंड में, एक नीचे भी है एक ऊपर भी है। जय माता दी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ये देखिए यहाँ पर है शंकर भगवान की मूर्ति और यहाँ गुफा की तरह बना हुआ है। यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आपको शिवलिंग जी और जो भी शंकर शिवलिंग के जितने ज्योतिर्लिंग है की पूरी झलक यहाँ पर देखिए। महाकालेश्वर ओंकारेश्वर धाम ये का है पूरा। ये देखिए भीमेश्वर धाम महाराष्ट्र का। और ये हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर में और यहाँ से आप पूरे ज्योति देख सकते हो। और ये देखिए हम लोग उस तरफ से आए थे नीचे से, नीचे का पूरा व्यू। और आप यहाँ से पूरा गंगा मैया का जो प्रांगण है उसका व्यू देख सकते हो आप। और ये जो स्टेज बना हुआ है यहाँ पर हर दिन रात्रि 9 से 11 या 12 बजे तक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। अलग अलग जगह से आते हैं लोग, अलग अलग ज़िले से। ज्योति कलश के दर्शन के बाद आपको बगल में ही मेला जाने का रास्ता मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर लगा है मेला प्रवेश द्वार गंगा मैया। और आपको बगल से ही मेले में प्रवेश के लिए रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे मेला हो रहा है। ये आप इस तरफ भी देखोगे तो इस वाली लाइन में भी आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी। और ये टैटू वाले तो हर मेले में कंपलसरी हो गए हैं, टैटू की दुकानें मेले में। ब्लॉगर हो क्या? हाँ हाँ। यूट्यूब चैनल का क्या नाम? संतु ध्रुवे करके। संतु ध्रुवे। हाँ चलो सब्सक्राइब कर लेना ना। तो टैटू वाले तो हर मेले में कन्फर्म है। और इस तरफ भी इस गली में जाओगे तो पूरी लंबी दुकानें हैं। इस तरफ भी पूरे फोटो फ्रेम सिंगार वाले हैं। और इस तरफ तो पूरे सोने चांदी की दुकानें आ गई यहाँ पर। ये देखिए इधर आपको पूरी सोने चांदी की दुकानें दिखेगी लाइन से। और खिलौने वाले भी हैं साथ में, सब मिक्सअप है, कपड़े खिलौने जनरल आइटम। और यहाँ पर है गंगा मैया दाल भात प्रसाद केंद्र। ये देखिए यहाँ पर आपको दाल भात प्रसाद केंद्र है, यहाँ पर आपको लाइन लग के आप प्रसाद ले सकते हो। तो चलिए हम लोग इस लाइन से चलते हैं और झूला वाले की तरफ चलते हैं। ये देखिए सोनू भेलपुरी कॉर्नर। और इस तरफ है पूरे कपड़े वाले। और दोस्तों ये मेला बहुत बड़े पैमाने बड़े स्तर पे है, तो हर गली में मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं मेन गली में आपको जाके दिखला देता हूँ।
और आप भी यहाँ आ सकते हैं। मेला अभी ज़्यादा दिन का नहीं बचा है, एक दो दिन में मेला ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए बच्चों के खेलने वाले खिलौने भी हैं और यहाँ है होटल, बढ़िया गरम गरम मिर्ची भजिया बना रहे हैं और आप देख सकते हो मेला। और चलिए हम लोग चलते हैं झूला की ओर, जो मेला का मेन अट्रैक्शन होता है झूला, और अच्छी खासी वहाँ भीड़ भी है झूले की तरफ। और इधर है पूरे आइसक्रीम वाले, सांवरिया आइसक्रीम सेंटर। और ये हम आ चुके हैं झूला वाले लाइन में। और यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, जैसे मंदिर में भीड़ था उससे ज़्यादा इधर भीड़ नज़र आ रहा है झूला वाला तरफ। तो देखिए ये है आकाश झूला और डांसिंग झूला। इस तरफ मिलेगा आपको ड्रैगन वाला। और इस तरफ मिलेगा आपको ड्रैगन वाला। अभी शुरू हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, पहला प्रोग्राम, पहला आइटम चालू हो गया है। और यहाँ है बच्चों वाला नाव, बच्चे बढ़िया बोर्डिंग कर रहे हैं। आपको देखा एक होटल के